नोमेरिकल सिक्स वट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दट मस्ट भी परफॉर्म टू फ्रीज वन ग्राम ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इससे पहले हीट इंजन के नोमेरिकल चल रहे थे अभी रेफ्रिजरेटर आ गया जो बिल्कुल उसका उलट होता है टेक द टेम्परेचर ऑफ़ सराउंडिंग्स एज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच हीट इज़ पासड ऑन टू द सराउंडिंग्स जूरिंग दिस प्रोसेस पहले इसकी कॉन्सेपचुअल तस्वीर समझ लें रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इंजन होता है उसकी जगह क्या होता है कंप्रेसर होता है आपने नाम सुना होगा कंप्रेसर काम करना छोड़ गया और जो इन साइड द फ्रिज होता है वहाँ पे ठंडक होती है आपने देखा होगा तो लिहाजा वहाँ से हीट को निकालना होता है बाहर की तरफ तो Q2 जो निकलेगी वो फ्रिज के अंदर से निकलेगी और इसके ऊपर कंप्रेसर वर्क करेगा तो फाइनली बाहर की तरफ सराउंडिंग की तरफ जो हीट वो निकालेगा उसको कहेंगे Q1। और सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा T1 तो हमें टी टू की है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो कि पानी अंदर पड़ा हुआ है फ्रिज फ्रीजर के उसका टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और आउटसाइड द फ्रिज सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड वर्क डन हमने मालूम करना है और हम लोगों ने जो हीट बाहर पास हो रही है सराउंडिंग्स को वो मालूम करनी है यानी क्यू वन तो क्यू वन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्यू वन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यू वन है बराबर वर्क डन और क्यू टू से मिलकर बन रहा है तो ये हो जाएगा वर्क डन प्लस हीट रिमूव फ्रॉम वाटर अब इसको रीअरेंज करें तो डन की निकल आती है वैल्यू Q1 वन माइनस क्यू बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हीट इंजन के अंदर थी गिवन हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास है टेम्परेचर इन साइड रेफ्रिजरेटर टू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसको कैलविन में करना है तो प्लस टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे तो आंसर आ जाएगा टू सेवेंटी थ्री कैलवन टेम्परेचर ऑफ़ सराउंडिंग्स क्या है टी वन थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी कैलविन में करना है तो प्लस टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी थ्री हंड्रेड एंड टेन अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड वो हमने मालूम करना है और हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग क्यू वन हमने मालूम करनी है मैथ ऑफ वाटर हमें गिवन है ये देखें वन ग्राम ऑफ वाटर गिवन है तो ये भी लिख लेंगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आपको हीट इंजन में हम लोग लिखते थे एफिशंसी ईटा जबकि रेफ्रिजरेटर में हम लोग लिखते हैं एफिशंसी ऑफ कूलिंग क्योंकि इसकी हीटिंग एफिशंसी भी होती है कभी बार जब इसको इन्वर्ट कर लिया जाए जिस तरह ए सी हम लोग रिवर्स करते थे तो एफिशिएंसी ऑफ इसकी कूलिंग क्या है एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट ओवर इनपुट इसमें आउटपुट क्या है कि हम लोगों ने पानी में से हीट को बाहर निकालना है तो Q2 इसकी आउटपुट है हीट रिमूव्ड। और इनपुट क्या है जो कंप्रेसर काम कर रहा है वर्क कर रहा है उस पर वर्क डन तो हीट रिमूव्ड क्या है क्यू और वर्क डन क्या है डेल्टा डब्ल्यू अभी डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने शुरू में ही निकाल ली थी क्यू वन माइनस क्यू टू तो इस इक्वेशन में वो डाल लेते हैं और चूंकि हमारे पास क्यू वन क्यू टी की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं गिवन और हमें पता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो टेम्परेचर हमें गिवन है तो जहाँ जहाँ क्यू टू है उसको टी टू से और जहाँ जहाँ क्यू वन है उसको टी वन से हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं और इसके अंदर वैल्यूज वगैरह डालें तो आ जाएंगी ऊपर टू सेवेंटी थ्री क्योंकि टी टू की वैल्यू क्या है टू सेवनटी थ्री और टी वन की वैल्यू है थ्री हंड्रेड एंड टेन थ्री हंड्रेड एंड टेन माइनस टू सेवनी थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग हमारे पास आ जाएगी टू सेवेंटी थ्री डिवाइड बाय थर्ट सेवन इसको कैलकुलेटर से किया तो आंसर आ गया सेवन पॉइंट थ्री सेवन एट लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हम लोगों ने इसलिए निकाली है कि फर्दर आगे स्टेप सॉल्व कर सकें अब आप इसको देखें इस फार्मूले की मदद से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो वर्क डन इज़ इक्वल टू क्यू टू डिडेड बाई कलिंग एफिशेंसी लेकिन Q2 तो हमारे पास है ही नहीं अब क्या करें Q2 तो हमें मालूम ही नहीं है लेकिन एक चीज़ आप देखें क्वेश्चन में उसने कहा है कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पड़ा हुआ है और अब इसके अंदर से गरमाइश निकालनी है ताकि ये क्या बन जाए बर्फ़ तो ये Q2 टू इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला सवाल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको याद है ना कि अगर बर्फ़ को गर्म किया जाए उसको हीट दी जाए तो वो पानी बन जाएगा और उस टाइम पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा तो उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसी तरह अगर पानी से गरमाइश को बाहर निकाला जाए तो और ये बर्फ़ बन जाए तो उस टाइम पे जितनी गरमाइश बाहर निकलेगी उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये पानी और आइस के लिए डिफाइंड है और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है आपको पता होना चाहिए इसका रट्टा लगा होना चाहिए हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज़ थ्री थर्टी सेवन जाउल्स पर ग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल देखें जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकंड ये 336 थर्टी सिक्स पर ग्राम है और चूंकि हमारे पास मैथ भी ग्राम में है लिहाजा हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट्स के अंदर के जी शेजी लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाई थ्री थर्टी सिक्स तो क्यू टू हमारे पास आ गई थ्री थर्टी सिक्स जॉल्स जो कि पानी में से बाहर निकल रही है तो फिर ये बर्फ़ बन जाएगी तो यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं थ्री थर्टी सिक्स डिवाइड बाई सेवन पॉइंट थ्री सेवन एट कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 45.54 फाइव जोल ये हमारा पहला आंसर है जो कि अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्मड है नेक्स्ट आपने देखें क्यू वन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस क्यू टू क्योंकि हमें क्या चाहिए हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग क्यू वन हमें चाहिए तो आपके पास वर्क भी मौजूद है आपके पास क्यू टू भी मौजूद है तो अब क्यू वन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस क्यू टू दोनों की वैल्यूज डालेंगे फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव फोर प्लस थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स Which is equal to 381.54 joules. Study with me a learning experience.